तगड़े फाइनली बजने वाले एक और आप लोगों से अब जाके मुलाकात हो रही है। शनिवार का दिन था तो थोड़ा बहुत वहाँ पे भंडारा में स्कूल के बच्चों को खिचड़ी विचड़ी खिलाई और इसी बीच हम लोग आ चुके हैं चीनीदार में। खिचल ले यार तगड़िया हवा, आहा गजब की हवा चल रही है। आज थोड़ा सा बादल देवता भी हमारे ऊपर मेहरबान है क्योंकि उनकी वजह से जो है ना धूप जो है बिल्कुल लग नहीं रही आज। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि दगड़ियों भयंकर मौसम जो है बिल्कुल जठा मैण आ रहे हो, ऐसा लग रहा है कि पुषा मैण आ रहे हो दगड़ियों, जैसे ठंडी ठंडी हवाओं के बीच आ चुके हैं हम लोग शनिदार में। तो शुरुआत कर लेते हैं दगड़ियों एक और नए दिन की एक और नई ब्लॉग की। सभी बोलेंगे दगड़े मेरे साथ, ओहो दगड़े सब लोगों का पहला कपड़ा मानो उसका स्वागत मेरे को नई ब्लॉग में। तुम सब ठीक बोले एकदम ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। खैर जो जो वीडियो देखना शुरू कर चुके हैं प्लीज यार एक लाइक कर देना, चैनल में जो नए जुड़े हैं सब्सक्राइब करके बेल बटन भी दबाए देना। आपका ज्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए देते हैं एक छोटा सा मौसम का अपडेट। गरजने की आवाज साफ दगड़े मेरे कानों तक आ रही है और पूरा आसमान जो है बादलों से ढका हुआ है। सूरज का भी चुपके से जो है बादलों के बीच से हल्का सा देख रहे हैं और देखो कुछ ऐसा हो रहा है मौसम। अगर बारिश हो जाएगी तो ना हम दूर जो हिमालय पर्वत श्रेणी है ना उसको पूरा बिल्कुल अपनी आंखों से बिल्कुल आंखों के सामने उसको देख सकते हैं। पर अचानक देख लियो दगड़ियों पूरा पहाड़ जो है जल चुका है। आग लगने के कारण पूरे पहाड़ में जो है खत्म है चुके दगड़ियों। घर को निकले थे धीरे धीरे बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। भयंकर इंद्रदा मेहरबान होते हुए थोड़ा सा गर्मी से निजात मिलेगी और जो है जो एक क्यूर फकीड़ा हुआ है ना भयंकर बारिश में मतलब बर्खबाद जो साफ आ जा दगड़ियों। इंद्रदा कर दो यार बारिश भयंकर, ओ इंद्रदा भयंकर फटाफट बर्फ करने के लिए भयंकर रत्त बड़े मौसम बना रखो यार चाई चाई भयंकर कहीं लेट गए यार तगड़ियों की क्यों यार ये इंद्रदा भयंकर छपड़ा था रंगनाथ ने यार तगड़ियों भयंकर आता बर्फ नहीं आई ना भयंकर योश कर्जून में फिर भयंकर तगड़ियों हो जाती है अब तो गजब गजब ठंडा ठंडा मौसम। राधे राधे दगड़े मैं गणेश बीच गंगोली आर्ट उत्तराखंड से एक बार फिर से आ चुका हूँ आप सभी के मोबाइल फोन में टीवी स्क्रीन में। तो यार दगड़े के रे रोला रफा फिलहाल आज हम लोग पहुंच चुके हैं कोटीगांव में। कोटीगांव में सबसे पहले हमको मिल चुके हैं धंधा दगड़ियों। आज यहाँ पे जो है ना संजय भाई का जो है लड़का हुआ है दगड़िया उसके नामकरण के निमंत्रण में हम लोग कोटीगांव आए हुए हैं। ये देखो ठीक सामने मेरे दिख रही है छिनीदार, गजब के नज़ारे दिखते हैं दगड़ियों यहाँ से। फिलहाल अभी जो है नामकरण का भात वात पक चुका है, भात आत खाने की तैयारी है और इससे पहले कि भात आत खाएं हमको मिल चुके हैं हमारे जमाई राजा जो है भोगे बप्पा। सबसे पहले तो इनको बधाइयां जो है आज ये भौ नाम की यार कार्तिक रखा है दगड़ियों भोगा नाम जो है और इनको बधाइयां। तो दगड़ियों ये है हमारे हरदा इनके लिए एक सुंदर सुशील कन्या की हमको सख्त से सख्त जरूरत है। अगर किसी के पास भी कांटेक्ट लड़की का वो है तो प्लीज यार हमको बता दें दगड़ियों। भयंकर काकले परेशान है क्यों काकले परेशान है सब परेशान है दगड़ियों। ये एक दाबी आज से मैं भयंकर बनार गुल्ला था एक बाकर काट हो जाएगा तेरा। फिलहाल हमारे साथ आए थे हमारे चाचा और आप बतलिए बहन दगड़े उनके साथ अभी मिलाना वो नहीं है। फिलहाल चलते हैं नीचे जो है चुप रहना नीचे चलते हैं जहाँ पे भोजन की तैयारी चलती है। यहाँ के मेन जो है स्टाफ हमारे मामा जी मामा ले जाओ नंबर यार दगड़े कोटी गाँव के नजारे कुछ ऐसे है। वाह खाने की रिसर्ट लग चुकी है दगड़े स्पेशल मामा को इनवाइट दिया गया है यहाँ पे जो है नामकरण में भात आत बांटने का। मामा जी जो है ये काम सालों से करते आ रहे हैं और ये रस्सी हमारी लग चुकी है। यहाँ पे हमारे नब्बू का भी पहुंचे हैं ये पुष्कर जी। भोजन वोजन करने के बाद तगड़ी अब घर जाने की तैयारी चलते हैं। फिलहाल हमको पिठिया लगा है क्या पता है यो गाँव लग रही दगड़ी पिठिया गोला वोला लेके चलते हैं घर की तरफ। राधे राधे दगड़े मैं गणेश बीच गंगोली आर्ट उत्तराखंड से एक बार फिर से आ चुका हूँ आप सभी के मोबाइल फोन में टीवी स्क्रीन में। तो यार दगड़े की रे रोला रफा फिलहाल आजकल अपने निजी कामों में व्यस्तता के कारण सोशल मीडिया से थोड़ा दूर हूँ दगड़ियों।
ना ब्लॉग बना पा रहा हूँ, ना ही कोई रील आ पा रही है, तो उस सभी के लिए आप सभी लोगों से जो है माफ़ी मांगना चाहता हूँ। फिलहाल दिन के बजने वाले हैं 10:30 और आज मेरा टूर बना है गंगोली आर जाने का। ये छिल्लो यार दगड़ी हुई कहते रहिए भयंकर, ऐसे में तो कोई लड़की भी शर्ट नहीं होगी यार। थोड़ा दाढ़ी आड़ी चिकना बन के आता हूँ और गंगोली हाट तक का सफ़र रहने वाला है, बाकी पूरी पहाड़ों में आ गए दगड़ी हो। ये देखो आग की वजह से, देखो पहले मैं यहाँ से आपको हिमालय पर्वत दिखाया करता था कि दिखूँ दगड़ी हो, ये बुरसुम तक भी विजिबिलिटी बिल्कुल जो है क्लियर नहीं आ पा रही है। देखो बुरसुम गांव भी साफ नहीं दिख रहा, बुरसुम क्या यहाँ से अपना गांव भी साफ नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि आग की वजह से पूरे पहाड़ों में धुआं फैला हुआ है। फिलहाल मेरे साथ जुड़े हुए हैं आज अग्निवीर का रिटर्न देके घर पहुँचे हमारे नंदू भाई और अपनी झंपक साथ में है, तो गंगोली आड़ तक का सफर होने वाला है दगड़ियों। फिलहाल वीडियो में जो भी होगा जैसा भी होगा वो सब आप लोगों को आगे को पता चलेगा। तो दगड़ियों ब्लॉग की शुरुआत तो हो ही चुकी है, जो जो वीडियो देखना शुरू कर चुके हैं हो गया, क्या कहूँ यार क्या ना, अब चलते हैं गंगोली आड़ की तरफ को। पहन लेता हूँ मैं अपना, ये जो जरूरी है दगड़ियों कभी भी बाइक चला रहे तो सेफ्टी फर्स्ट, खास तौर से पहाड़ों में आजकल हेलमेट के कई फायदे हैं, जो कीड़े वीड़े आते हैं ना वो भी जो है अंदर जा नहीं पाते हैं हेलमेट पहनने से। तो चलते हैं गंगोली हाट पहुंच के ही मिलते हैं अब, ठीक है। दगड़े फाइनली बजने वाले हैं यार और पहुँच चुके हैं हम लोग गंगोली हाट पर। आमिर भाई के वहाँ पर जो है मैं भी अपना ड्रेसअप कराता हूँ और मिल चुका है मैं रक्षित। रक्षित भाई बोल दे, रक्षित भी पहुंचा हुआ है लगड़ियों आज बाजार। चलो रक्षित के भी बाल बाल कटाने हैं, फिर मिलते हैं। दाढ़ी बाल बना के निकल चुके हैं अल्मोड़ा की तरफ को। काफ़ी दिन हो चुके हैं यार, आज बुक किए 2-3 दिनों का ब्लॉग, जितना भी होना जो भी होना आप लोगों के समझ शेयर किया वो भी अच्छा लगा। और अल्मोड़ा क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ, वो सब आपको कल आने वाले ब्लॉग में पता चलेगा। अब कोशिश करूँगा कि कंटिन्यू आपके लिए कंटेंट लेके आऊँ। फिलहाल पनवन वाला अभी पहुँचने वाले हैं हम लोग, 6:19 हो चुके हैं अभी, यहाँ से 1 घंटे का और रास्ता और रह जाता है, हमने अल्मोड़ा से थोड़ा आगे जाना है अलबाग तक। शाम के बजने वाले हैं तकड़े 7, अल्मोड़ा में प्रवेश होता हुआ। ठंड है यार यहाँ को, वैसे सुबह शाम उसे ठंडा हो जाता है। लोकेशन आ गई है हमारे पास, जिस लोकेशन में हमको जाना है, यहाँ से अभी 7 किलोमीटर का और सफर है।